नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीताराम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सीताराम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सीताराम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सीताराम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सीताराम एक ब्रांड नेम है। सीताराम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन एसिटालोप्राम होता है। सीताराम टैबलेट 5 mg व 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सीताराम टैबलेट का उपयोग डिप्रेशन होने पर और एंजाइटी यानी चिंता व तनाव को दूर करने के लिए सीताराम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डिप्रेशन होने पर उदास रहना, किसी काम में मन न लगना, अकेला महसूस करना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आना, धीमी गति से सोचना, धीमी गति से बोलना या धीमी गति से शरीर की हरकतें करना, शरीर में थकान होना और ऊर्जा की कमी होना, अपने जीवन को खत्म करने का विचार आना आदि लक्षण डिप्रेशन होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है, उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर सीताराम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर होने पर भी सीताराम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर होने पर व्यक्ति बहुत ज्यादा भयभीत और डरा हुआ रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीताराम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सीताराम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में सीताराम 5 mg टैबलेट या सीताराम 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और नाइट में सोते समय लेने की सलाह देते हैं। सीताराम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सीताराम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सीताराम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सीताराम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, मुंह में सूखापन होना, पसीना अधिक आना, नींद अधिक आना, चक्कर आना, घबराहट होना, बदहजमी होना, पेट में दर्द होना, पेट से गैस निकलना और उबासी आना आदि साइड इफेक्ट्स सीताराम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में सीताराम टैबलेट की वजह से नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा सीताराम टैबलेट की वजह से याददाश्त कमजोर होना, शरीर में थकान व सुस्ती रहना, दस्त होना या कब्ज होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक सीताराम टैबलेट का सेवन करने की वजह से शरीर का वजन ज्यादा भी हो सकता है और शरीर का वजन कम भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीताराम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सीताराम टैबलेट को लाइनजोलिड एंटीबायोटिक, खून पतला करने वाली दवाइयां जैसे एस्पिरिन और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ कैटेगरी की दवाओं के साथ सीताराम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदि दवाओं के साथ भी सीताराम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं के साथ सीताराम टैबलेट को लेने से दवाइयां आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सीताराम टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सीताराम टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीताराम टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सीताराम टैबलेट को बहुत ही सावधानी से व डॉक्टर की देख रेख में ही दिया जाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सीताराम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और
स्तनपान करा रही महिलाओं को सीताराम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सीताराम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।